हमार विंध्य स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है विराट के बघेले बुलेटिन में। हमाहन पूजा बात करी थे मऊगंज के, जहाँ के चदे गांव में ही उस समय हड़कंप मच गया जब कुछ जनी मिलके एक फाइनेंस कंपनी में काम करे वाले कर्मचारी के ऊपर लोहा के राड और डंडा से हमला कर दिन, जिसके बाद पीट पीट के उनका मौत के घाट उतार दिन। अपना बता दी कि परिजन जानकारी दिन के कंपनी के कर्मचारी अपन काम निपटाए के अपने घरे बिछराटा जात रहे, आ वही समय घात लगाए के पहले से 4-5 जने बैठ रहे और अचानक उनके ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर दें। उसका अपराधी को सजा मिलना चाहिए और मिलेगी सजा। अगर आगे आते तो मतलब यही है कि जिनका नाम हम बता रहे हैं, वैसे विकास दुबे का हुआ था वैसे ऐसे मिलेगी। हम अगर इस तरह का अपराध करें तो हमको भी ऐसे ही करने की जरूरत। क्या मतलब बताइए, एक होनहार लड़के को मार दीजिए। कल देर रात नीलेश सिंह उर्फ नीलू, पिता लाल बिहारी सिंह, उम्र लगभग 35 वर्ष, जो कि एसके फाइनेंस कंपनी मऊगंज में कार्य करते थे, अपने काम के पश्चात को अपने घर की ओर जा रहे थे। उसी दौरान में हाईवे पे साहिल शुक्ला और उनके साथी पिंटू शुक्ला एवं दो अन्य साथियों के साथ में वहां पे उनको रोका गया और उनसे शराब पीने के नाम पर पैसे मांगे गए और उसके द्वारा मना करने पे उससे वाद विवाद किया गया। वाद विवाद के दौरान में फिर वो उसे मारना चालू किया गया, वो उस गाड़ी से गिर गया और उसे तब तक मारते रहे जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई। और अब बात करी थे सतना के, जहाँ के रामनगर के जनपद सदस्य रेखा कोल हाल ही में जीत हासिल करी नहीं भाई, एक साथ है वो अपन वीडियो बनाई नहीं भाई, जोने माही राम खिलामन पटेल और दूसरे नेतन के ऊपर साथ है पुलिस के ऊपर घलाए आरोप लगाए रही हम। वीडियो में ही रेखा पटेल बताइन के भाजपा के नेता जनपद अध्यक्ष खातिर वोटिंग कलाय के उनके परिवार के ऊपर और उनके ऊपर दबाव बनाए रहे हम। मेरा नाम रेखा है, मेरे पति का नाम ब्रजलाल है, मेरे ससुर का नाम रामनाथ है। हम जनपद सदस्य हैं, भाजपा वाले हमको परेशान कर रहे हैं तो हम आ गए हैं घर छोड़ के, रिश्तेदारी में हैं और रोज पुलिस जाती है हमारे घर, परेशान करती है हमारे घर वालों को, ससुर को, और हमारे ससुर को धमकी देते हैं भाजपा वाले और कुछ होगा तो राम खिलामन पटेल जो मंत्री हैं, गणेश द्विवेदी, गोरेलाल पटेल, ये जिम्मेदार होंगे। हम रामनाथ बोल नादो के यहाँ नादवासी, माँ पुताऊ जनपद में जीत गई, हम ही गणेश द्विवेदी जी और पटेल जी, लाल पटेल जी, हम ही परेशान करे हैं, सतने लग गए, हम ही पकड़ के अमर पाटन में लग गए, अमर पाटन सतने लग गए कार्यालय में, हम नहीं जानी, हमसे कागज दवाई दुजांगा, हम न पढ़े यहाँ न लिखे यहाँ। बात करे थे हनुमाना के, जहाँ पुलिस 6-7 कुंटल गांजा पकड़े में सफलता पाई नहीं, अपना को बताए दी के पुलिस मुखबिर के जानकारी में यहां पहुंची रही, जबकि स्थानीय पुलिस का कोनो मेर के भनक नहीं लाग। गांजा 6-7 कुंटल के बीच बतावा जात है, वह पकड़ान आरोपी से पुलिस पूछताछ करके सबूत जुटावे के कोशिश में लगी है। अपना को बताए दी कि यह गांजा के खेप जो नहीं बह उड़ीसा से जिला के अलग अलग जगह में ही पहुंचाई जा रही है, वह बहुत ही दिन बाद पुलिस का गांजा के तस्करण का पकड़े में सफलता मिली है। और अब बात करी थे सिगरौली के, जहां के भाजपा विधायक रामलल्लू बैस के लड़का विवेक बैस और उनके साथी के ऊपर वन कर्मचारी का ही गोली मारे के आरोप लगा है। अपना को बता दें कि पीड़ित संजीव शुक्ला मोरवा थाने में शिकायत दर्ज करवाई है, जोने वाही बताए कि वो खनहना बॉर्डर में कोयला के ट्रक का रोके रहे हम, जोने से बिगड़ के विधायक के लड़का और उनके साथ ही पहले तो उनके साथ मारपीट करी, नोखे बाद जान से मारे खातिर उनके ऊपर गोली चला दी, जिससे वनकर्मी घायल हुई गए हम, वह वनकर्मी का इलाज खातिर अस्पताल में भर्ती करावा गया हवा। और अब बात करी थे रीमा के, जहाँ के राज्य निर्वाचन आयोग के रीवा जिला के प्रेक्षक आर गंगरेकर लाइजिंग ऑफिसर डॉक्टर गोविंद नारायण श्रीवास्तव का प्रशस्ति पत्र दई के सम्मानित करी नहीं बै, उनका यह सम्मान त्रिस्तरीय पंचायत और नगरी निकाय के निर्वाचन में ही बेहतर काम खातिर दीन गा है। सर्किट हाउस में ही प्रशस्ति पत्र दई के उनका सम्मानित कीन गा है, जिनके उपलब्धि में ही कलेक्टर रीवा मनोज पुष्प, SDM अनुराग तिवारी के साथ है अधिकारी और कर्मचारी उनका बधाई दी नहीं बताया और कोई कमी ना रह जाए, इसका हमने एंश्योर किया। तो ये दो चीज़ें अच्छी लगी और बीच में चलते साथ
और अब बात करते हैं रीवा जिला के गगेव जनपद के जहां के ग्राम पंचायत सिधा माही चार बिंदुवन के शिकायत कीन गए रही, जोने माही भूमि स्वामी और शिकायतकर्ता के पहुंचब तो जरूरी रहा, पर उनके साथ साथ पंचायत के दलाल खलाए समूह आएगी। अपना को बताई दे कि ये समय दलालन का ही भूतपूर्व सरपंच राजमणि जम के फटकार लगाई, जो उनके अपना ये वीडियो में देख सके थे। वह क्या हो, एजेंसी हो, ये बोल रहे हैं थोड़ा सा आराम से बोलो। नहीं, एजेंसी हो, बनवाए हो, सरपंच हो, सरपंच है बना दिया है, पहले फिलिंग कराया है, बाद में ये वो लग किया है, ये वाला तो लग रहा है। ये फिलिंग कराने के बाद फिर बाउंड्री कराई गई है। दुर्वे साहब, आप ये सो झूठ की बात नहीं है, यहाँ से जो ये फीलिंग कराने के बाद बता रहे हैं कि यहाँ से पत्थर हटाए गए और पूरा जब खेत देंगे बागी घूमेंगे तब आपको पूरा पता लग जाएगा। पहले मामला का आंख में धूल चल रहा है 12 बजे दिन। और अब बात करी थे सतना के जहां नगर निगम पुरान खंडहर मकानन का गिरावे के कार्रवाई करी नहीं भाई, बीटीआई ग्राउंड के भीतरे बना जर्जर हॉस्टल का गिराए दिन का और तेज ऐसे टूट फूट मकानन का ही और अवैध मकानन का गिरावे के नोटिस दिन गए भाई। बतावा जाते के खाली पड़े मकानन में ही असामाजिक तत्व रात में बैठ के शराबखोरी करत रहे, जो उनकी शिकायत मिले के बाद जिला प्रशासन बुलडोजर चलाए के ढा दिए। जी आज आपने कार्रवाई की है, मकान गिराया गया है, क्या था मामला? ये बीटीआई का हॉस्टल है, बीटीआई में जो बच्चे पढ़ते थे ये 50 साल से ऊपर पुराना हो गया था। पिछले वर्ष प्रिंसिपल साहब ने वहाँ से एक पत्र जारी किया था कि हमारा ये हॉस्टल जर्जर हो चुका है, इसको गिरा दिया जाए। तो किन्हीं कारणों से पिछले वर्ष अपन नहीं गिरा पाए थे, तो आज वहाँ गए थे हम उसी इरादे से। तो वहाँ कुछ असामाजिक तत्व 5-6 लोग घुसे, दारू पी रहे थे और कुछ जानवर भी घुसे थे, तो समझ में आया कि निश्चित तौर से ये कहीं ना कहीं कोई हादसा हो जाएगा। तो आज ही निर्णय लिया, हमने कमिश्नर साहब को बताया, आज ही निर्णय लिया कि इसको आज ही गिरा देंगे। आज के बुलेटिन में इतने, बघेली में खबर खातिर देखते रहिए मारविंद के बघेली समाचार। नमस्कार।